जय हिंद दोस्तों। आज से करीबन ठीक 3 साल पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में हुई लड़ाई में हरीश सिंह को कई सेने पर गोली लगी थी और देश के लिए शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई गोलीबारी में शहीद हुए खेंडा जिले के कपड़न तहसील के वणजारे गांव सेना के जवान हरीश सिंह परमार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था। इससे पूर्व शहीद जवान के सम्मान में जवानों और पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद जवान के गांव से अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी लोग शहीद की एक झलक देखने के लिए ललाहित रहे। हरीश सिंह परमार की शहादत की खबर जैसे उनके गांव पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। इससे पूर्व अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शहीद को पार्थिव शरीर पहुंचते ही कई आमजन नेताओं और सामाजिक लोगों ने उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कपोड़न तहसील के छोटे से गांव वड़जारे के 25 साल के हरीश सिंह परमार जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हुए थे। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो समूचे गांव में शोक की लहर छा गई। आपको बता दें कि हरीश सिंह की 1 महीने पहले ही छुट्टी काटकर वह जम्मू कश्मीर गए थे। 1 साल पहले उनकी सगाई हुई थी और अगले साल शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले गुजरात का यह लाल माँ भारती की सेवा करते हुए देश के लिए शहीद हो गया। तो दोस्तों, हरीश सिंह परमार जी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। ये खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कि सैनिक की मौत पर गांव ही नहीं पूरा देश भी रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहाँ चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को 1 लाइक 1 शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।